हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं रोशन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम नर्सिंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी लाइव क्लासेस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ऑल स्टूडेंट्स गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाइए क्लास को, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि सर कब स्टार्ट करेंगे क्लास को, कब स्टार्ट करेंगे, तो आज फाइनली अपनी जो क्लास है अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो क्लास है आपको बैनर देख के पता चल गया होगा कि किस चीज पे अपनी होने वाली है, तो आज से अपन है वो गाइड स्टार्ट करने वाले हैं आपका। और जल्दी से क्लास को है वो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ऑल स्टूडेंट्स आप सभी का मोस्ट वेलकम है। गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल। आई होप मेरी बात आप सब लोग समझ रहे होंगे, है ना। क्या बोल रहे हैं लोकी जी, बोल रहे हैं सर एप्लीकेशन पे भी क्लास डाल दीजिएगा। डियर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा, क्लासेज है वो डेली अपलोड हो रही हैं, ठीक है, डेली हैं वो, आपको क्लासेज मिल रही हैं। कल भी अपलोड हुई थी, परसों भी हुई थी। आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है क्या? चलो जी भाई, ऑल स्टूडेंट्स आ जाइए भाई, जल्दी से क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज से स्टार्ट है, ये पहले से ही चल रही, आज से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जो गाइड है आपकी पीआर यादव, जो फोर्थ एडिशन है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं, आपकी स्टडी कैसी है? दो दिन पहले ही सर लाइक कर दिया था, बिल्कुल सही है, बहुत टफ आया। अरे टफ कुछ नहीं होता, अगर आप पढ़ते हो और स्टडी करते हो तो टफ कोई भी चीज़ नहीं होती है। चलो जी भाई अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। विजडम नर्सिंग कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग कहाँ है आपके? सीकर राजस्थान के अंदर है। CHO का कोर्स जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है CHO का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अभी ये जो प्राइस है आपकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, ये प्राइस है वो आपकी इंक्रीज हो गई है। और 15 अगस्त तक जो आपकी प्राइस है, आपकी 15 अगस्त तक आपकी जो प्राइस है वो रहने वाली है 599 की, ठीक है। 15 अगस्त के बाद में ये जो प्राइस है 999 हो जाएगी। तो आज ही ज्वाइन कीजिए आपका CHO का कोर्स, ऑल स्टेट CHO कोर्स, फुल कोर्स आपका अवेलेबल है 2999 रुपए में। इसके अलावा आपको जो है आपको कब तक रहेगा सर ऐप पर कोर्स कब तक रहेगा? आप अगर CHO कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 6 मंथ तक रहेगा, और अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपका 1 ईयर तक रहने वाला है, ओके। चलो जी भाई यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं UPSC के लिए अपनी है वो क्लासेज है वो 5 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, और 999 रुपए में आपका कोर्स रहने वाला है। और ये जो कोर्स की जो क्लासेज आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी फंडामेंटल फर्स्ट एड MSN साइकेट्रिक और आपकी जो साइकोसोशियो है वो भी अवेलेबल होगी इसके अंदर, क्योंकि सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। ओबीसी है, पीडियाट्रिक है, माइक्रोबायोलॉजी है, एनवायरमेंटल हाइजीन है, CHN है, GK हिंदी और कंप्यूटर, ये सारा सिलेबस आपका है वो दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर आपका जो सिलेबस आया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये क्लासेज है वो होने वाली है, कोई ज्यादा मैटर आपको फालतू का नहीं मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। चलो जी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपके जो ओबीसी है, और ओबीसी जो पीआर यादव आपका जो फोर्थ एडिशन की अपन है ओबीसी है वो फर्स्ट क्वेश्चन से अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले अपन ओबीसी कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद अपन दूसरे सब्जेक्ट है वो अपन लेने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ऑल स्टूडेंट्स। सर हम कॉल किए थे बट रिसीव नहीं हो पा रही है कॉल, कॉल कीजिए, दो नंबर है, दोनों पे किसी से भी कर दो। अरे भाई कोई जरूरी थोड़ी है एक पे कर रहे हो आप कॉल, पता नहीं दूसरा बंदा कहाँ है, है हो सकता है ना कहीं कोई काम कर रहा हो या कहीं फंसा हुआ हो, शादीशुदा है यार, हो सकता है कुछ भी आज के टाइम पे है, शादी हो रखी है, नितिन सर फोन नहीं उठाते होंगे ना, नितिन सर की शादी हो रखी है ना इसलिए फोन नहीं उठाते वो, तो हो सकता है नितिन सर बिजी हो, तो इस नंबर पे कॉल कर लिया करो, इस पे नहीं लगे तो इस पे कर लिया करो, दोनों में से किसी पे भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो जी भाई अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय महादेव, ठीक है। आज अपना शुभारंभ कर रहे हैं अपनी क्लास, एक स्पेशल क्लास जो आपकी CHO की होने वाली है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ऑल स्टूडेंट्स। मैंने पहले बोला था टारगेट होना चाहिए तभी अपन टारगेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, वेजाइनल कैनाल जो है नॉर्मली कैसी होती है, नॉर्मली वेजाइनल जो कैनाल होती है वो कौन से एनवायरमेंट की होती है, जल्दी से है वो आंसर पुट कर दीजिए। वेजाइनल कैनाल है गुरुकुल ऑफर में लिया था आपको, है वो रहने वाला है 1 साल के लिए। अरे मेरी नहीं हो रखी यार, तुम ऐसे मत करो, है ना, मेरी कोई सगाई भी नहीं करेगा, अगर आप ऐसे अफवाह फैलाओगे ना कि मेरी शादी हो रखी है तो मेरी कोई सगाई भी नहीं करेगा, है ना, ऐसा नहीं करते, गंदी बात नहीं करते भाई, है ना। चलो जी 1 साल तक रहेगा गुरुकुल वाला। चलो जी भाई अपनी क्लास है अब स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे ध्यान दो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जो वेजाइनल कैनाल होती है वो कैसा एनवायरमेंट होता है उसका,
तो आप लोगों को पता है जो वेजाइनल कैनाल होती है उसका जो एनवायरमेंट होता है वो कैसा होता है, आपका एसिडिक होता है। अब एसिडिक कौन कौन सी एज के अंदर होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एसिडिक होता है आपका रिप्रोडक्टिव एज में है वो एसिडिक होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे और आपका प्रेगनेंसी में कैसा होता है, एसिडिक होता है। और अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो 3.82 4.5 क्या होता है आपका पीएच होता है, किसका पीएच होता है, ये वेजाइना का पीएच होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं नेचुरल एनवायरमेंट है वो कब होता है आपका, जब स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है, मीनोपोज। जब मीनोपोज स्टार्ट होता है तब कैसा एनवायरमेंट होता है आपका, नेचुरल होता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं आफ्टर मीनोपोज, अगर अपन बात करते हैं आफ्टर मीनोपोज, मीनोपोज आ चुका है आफ्टर मीनोपोज और मीनोपोज आए हुए कितना टाइम हो गया, 6 वीक से ज्यादा का टाइम हो गया, तब आपका पीएच कैसा देखने मिलेगा आपको, एल्केलाइन देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। एसिडिक इसके अलावा कब देखने मिलेगा, अगर 2 वीक का क्या है आपका फीमेल बेबी है, 2 वीक की फीमेल बेबी है तो उसके अंदर भी कैसा एनवायरमेंट देखने को मिलेगा आपको, एसिडिक वेजाइना का एनवायरमेंट देखने को मिलेगा। तो ये आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखनी है, रिप्रोडक्टिव एज, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, 2 वीक ऑफ आफ्टर बर्थ, ठीक है। पीएच कितना होता है आपका, नेचुरल कब देखने को मिलता है, मीनोपोज स्टार्टिंग टाइम में आपका है वो नेचुरल देखने को मिलता है, और आफ्टर मीनोपोज 6 मंथ बाद में, जैसे ही 6 मंथ हो जाते हैं उसके बाद कैसा देखने मिलता है आपको, वो देखने को मिलता है आपका एल्केलाइन। ओके, क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं, अपन हर एक क्वेश्चंस को है लेने वाले हैं। यहाँ पे पूछा है इन हेल्थी वुमेन, यहाँ पे पूछा है एक क्या है आपकी हेल्थी स्वस्थ वुमेन है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कहाँ पे, अपर टू थर्ड ऑफ वेजाइना। ये अपन बात करते हैं, ये आपका यूट्रस हो गया है, ठीक है, और ये वेजाइना हो गया। तो वेजाइना के आपका जो अपर 2/3 पार्ट है उस पार्ट के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होता है नॉर्मल हेल्थी वुमेन के अंदर। अरे 2025, अरे तुम पढ़ लो रे, मिठाई उठाई के पीछे पड़े हुए हो ना, वो सही बोलते हैं, भुआ का मन सदाई लापसी में है, तो आपका भी मन है ना वो लापसी में ही है ना, पढ़ाई में तो है ही नहीं, शादी बाद में कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, अभी तो बच्चे हैं, शादी कर लेंगे, क्या है। हाँ ठीक है, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ऑल स्टूडेंट्स। चलो जी भाई, अपना आंसर क्या होगा, अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं तो कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो फाउंड होता है अपर 2/3 पार्ट के अंदर, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। अपना क्या राइट आंसर होगा आपका, जो डोडलिन बेसिलाई है वो क्या प्रेजेंट होता है, वेजाइनल अपर 2/3 पार्ट के अंदर है वो प्रेजेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा है एसिडिक मीडियम, वेजाइना का जो एसिडिक मीडियम है वो कौन मेंटेन करता है, जल्दी से आंसर पुट कर दीजिए, वेजाइना के एसिडिक मीडियम को है वो कौन मेंटेन करता है, जल्दी से आंसर पुट कर दीजिए। अरे मैंने बोला था ना बच्चों को शेयर करना है, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आने वाला पढ़ाने में ना, आपको पढ़ना है तो शेयर करती दीजिए क्लासेस को। देखो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं कि जो वेजाइना के अंदर जो एसिडिक जो एनवायरनमेंट है वो कौन मेंटेन करके रखता है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, जल्दी से आंसर पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्या होने वाला है आपका डोडलिन बेसिलाई। डोडलिन बेसिलाई क्या है आपका, एक बैक्टीरिया है, क्या है आपका बैक्टीरिया है, डोडलिन बेसिलाई कैसा है आपका एक बैक्टीरिया है, और ये कौन सी स्पीसीज के अंदर आता है, तो लैक्टोबैसिलस के अंदर, ठीक है, लैक्टोबैसिलस के अंदर क्या आता है स्पीसीज के अंदर, ठीक है, प्रजाति के अंदर, कौन सी प्रजाति के अंदर आता है ये आपका लैक्टोबैसिलस के अंदर आता है, और अभी प्रेजेंट टाइम में ये क्या है आपका डोडलिन बेसिलाई क्या है आपका बैक्टीरिया है। ओके क्लियर है यहां तक, ये बैक्टीरिया है और स्पीसीज कौन सी है इसकी, लैक्टोबैसिलस है, वो क्या है इसकी स्पीसीज है। अगर आपसे पूछ रहे जो डोडलिन बेसिलाई होता है वो आपका कैसी शेप, इसकी शेप कैसी होती है, देखो अगर वर्ड लिखा हुआ है आपका बेसिलाई, ठीक है, बेसिलाई लिखा हुआ है तो ये कैसी शेप होगी इसकी, ये मुझे आप आंसर कर दीजिए, डोडलिन बेसिलाई, बेसिलाई बिल्कुल सही है सुरेश कुमार जी आपका सही है, कि ये क्या करता है जो वेजाइनल सेल्स होती है, वेजाइना की सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर, क्योंकि ये कैसा बैक्टीरिया होता है आपका एनएरोबिक, एनएरोबिक मतलब ये ऑक्सीजन की अब्सेंट में क्या होता है आपका काम करता है, और सिंपल सी बात है अगर ऑक्सीजन की अब्सेंट में अगर कोई भी चीज काम करती है तो क्या बनता है आपका लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड बनता है तो सिंपल सी बात है पीएच भी कैसा है आपका एसिडिक है, तो ये कैसा होता है आपका एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है। ओके चलो जी भाई,
राउंड शेप होता है। ये कैसी शेप होती है इसकी? वो होती है आपकी रॉड शेप। कैसी शेप होती है इसकी? रॉड शेप होती है। अरे रॉड शेप होती है, राउंड शेप नहीं होती है। रॉड, रॉड डंडा जानते हो ना, बचपन में मुर्गे बन बन के खाए हो, दो दो तीन तीन जनों को एक साथ पड़ता था, नील डाउन हो जाओ भाई, नील डाउन होते पूरी बेंच वाले भाई एक साथ पड़ता था। तो वो रोज जो रोड काम में लेते थे ना अपने टीचर, उसकी अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो मैं फिर से बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है आपके, जैसे कि जैसे कोई अच्छी राइटर की बुक को सोल्व करवाओ, ये तो सब स्टूडेंट के पास है। सर पीआर या दो बुक ले आए क्या कंपटीशन के लिए? अरे भाई देखो प्रमोद जी, आपको नहीं करना सोल्व, कोई बात नहीं है, मत कीजिए। मेरा टारगेट कुछ अलग है, आपका कुछ अलग होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, सबसे पहले अपन जो है छोटी बुक को है वो सोल्व करेंगे, देन उसके बाद अपन है वो टारगेट हाई के ऊपर आएंगे, ओके। यहाँ पे अपन बात करते हैं, अगर आपसे पूछता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लोगों की, देखो क्या होता है कि मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन साइड गलत हो जाए वो उनको सहन हो जाता है, लेकिन बुक अच्छी होनी चाहिए। अरे भाई एक साथ है, घर वाले शादी कर रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन अपनी वाइफ के साथ में आप साड़ी को भी साथ में लेना चाहो तो वो तो बात पॉसिबल नहीं होती ना। तो कम से कम पहले वाइफ तो लेके आओ ना, उसके बाद तो साड़ी तो बाद की बात है, लेकिन नहीं मेरे को तो उसी दिन चाहिए, साड़ी भी साथ चाहिए वाइफ भी साथ चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। अरे पहले इजी जो क्वेश्चन है वो तो सोल्व करो आप, फिर स्टैंडर्ड बाद में जाओ आप। मुझे पता है आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे है वो क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, और आपका जो है लेवल क्या है मुझे नहीं पता इस चीज का, है ना। यहाँ पे वो भी स्टूडेंट है जो अभी कॉलेज लेवल में है, तो मेरे लिए तो सब यहाँ पे जीरो बराबर है। आपका स्टैंडर्ड अच्छा है, आप वो क्लास मिस कर दीजिए, ठीक है। आप वो क्लास को है वो फॉरगेट कर दीजिए, आप जब स्टैंडर्ड पे आएंगे तब आप लेना स्टार्ट कर दीजिएगा, ओके। चलो जी भाई, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं आपका कैसा पीएच होता है। मैंने बता दिया एसिडिक पीएच कब होता है आपका, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है वो पीएच कैसा होता है आपका, एसिडिक होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे पूछता है कि ओपनिंग पूछा है, ओपनिंग किसकी पूछा है आपकी, बार्टोलिन डक्ट की, कि बार्टोलिन जो डक्ट होती है उसकी जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। सर आप अपनी गाड़ी चलने दो, बिल्कुल अपनी गाड़ी तो धुआं धुआं उठाती है ना। चलो जी आंसर पुट कर दीजिए यहाँ पे आप अपना, कि जो बार्टोलिन जो डक्ट होती है उसकी जो ओपनिंग होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, अपना आंसर क्या होगा बता दीजिए भाई, आंसर पुट कर दीजिए यहाँ पे अपना अपना, सब अपने अपना आंसर बता दीजिए, कि जो आपकी जो बार्टोलिन डक्ट होती है, बार्टोलिन डक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसकी जो ओपनिंग है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, तो आपका आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे सब के सब है वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बछेड़ खाने वाले हैं, ठीक है। अब बछेड़ क्यों खाएंगे, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि ये तो बहुत चिल्लर सा क्वेश्चन है। अरे बावड़ो, जो बार्टोलिन डक्ट की ओपनिंग होती है वो कहाँ होती है आपके, वेस्टिब्यूल के अंदर होती है, ठीक है। डक्ट की ओपनिंग देखो भाई कितनी ओपनिंग होती है, टोटल चार ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई, वेजाइनल ओपनिंग हो गई, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड क्या होती है आपकी, वेस्टिब्यूल के अंदर किसकी ओपनिंग होती है, बार्टोलिन डक्ट की। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, दी इज द राइट आंसर। यहाँ पे डक्ट की ओपनिंग पूछा था आपसे, ये नहीं पूछा कि बार्टोलिन ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, अब अगर आपसे पूछे बार्टोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, बार्टोलिन ग्लैंड है वो आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। बार्टोलिन जो ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, बस भी रे। बिल्कुल शुरुआत की सीढ़ी से आपको चढ़ना है, तभी आपका टारगेट है वो अचीव कर पाओगे आप, ठीक है। कभी और कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, जिस दिन और कॉन्फिडेंस में आए ना उस दिन बछेड़ खा के नीचे वापस गिरोगे गिरोगे। चलो जी यहाँ पे अपन बात करते हैं आपका कि बार्टोलिन जो ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो बार्टोलिन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी, वेजाइना में, कहाँ प्रेजेंट होती है, वेजाइना में। और इसकी जो ओपनिंग होती है बार्टोलिन जो डक्ट की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है वेस्टिब्यूल में। तो दोनों आपको है वो आंसर है याद रखने हैं, वेस्टिब्यूल के अंदर ओपनिंग होती है और ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी, वेजाइना के अंदर होती है। चलो जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेवन क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है ए नर्स अबाउट द कैथराइजेशन, एक नर्स है वो क्या कर रही है, कैथराइजेशन के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है, ब्लैडर ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। सी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट फीमेल यूरिथ्रा, यहाँ पे दिया हुआ है जितने भी आपके फैक्ट्स हैं वो किसके रिकॉर्डिंग हैं आपके, फीमेल यूरिथ्रा के रिकॉर्डिंग है।
लेकिन एक आपका जो फैक्ट है, ऑल फैक्ट है वो फीमेल यूरेथ्रा की रिकॉर्डिंग है, बट एक जो फैक्ट है आपका, वो फैक्ट आपका जो है फीमेल यूरेथ्रा की रिकॉर्डिंग है वो सही नहीं है। अब वो कौन सा फैक्ट है उसको आपको बाहर निकालना है जो फीमेल यूरेथ्रा की रिकॉर्डिंग नहीं है। जल्दी से आंसर पुट कर दीजिए। अरे भाई क्लास को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए क्लास को। क्या हुआ है, आप अगर ऐसे ऐसे अगर इतने कम बच्चे लाइव रहेंगे तो मजा नहीं आने वाला पढ़ने में, और आप पढ़ाने में भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था। चलो जी भाई, सॉरी सर बहुत लेट हो गए, कोई बात नहीं, आंसर पुट कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आया है, कोनी पता सर, अरे कोनी पता, कोशिश तो करो। यहाँ पे आपका जो एक्सेप्ट होने वाला है वो कौन सा होगा, आपका बी यहाँ पे एक्सेप्ट होने वाला है। बी कैसे एक्सेप्ट होगा, देखो आपको याद रखना है कि जो आपका यूरिथ्रल जो ओपनिंग होती है ये वेजाइनल ओपनिंग है। कौन सी है, वेजाइनल ओपनिंग है, और ये कौन सी ओपनिंग है आपकी, यूरिथ्रल ओपनिंग है। ठीक है, तो जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वो वेजाइना के कौन से पार्ट में होती है, एंटीरियर में, मतलब ऊपर की साइड होती है, ना कि पोस्टीरियर में होती है। तो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो वेजाइनल जो होती है, वेजाइनल जो ओपनिंग होती है उसके है वो पोस्टीरियर में है, नीचे की साइड थोड़ी होती है आपकी यूरिथ्रा। अरे वेजाइना से नीचे की साइड थोड़ी प्रेजेंट होती है यूरिथ्रा, आपकी जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वो वेजाइना के एंटीरियर साइड में होती है, ना कि पोस्टीरियर साइड में। तो ऊपर की साइड होती है, अपर वाले पार्ट में होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एक्सेप्ट करके यहाँ पे क्या आएगा आपका, पोस्टीरियर की जगह क्या आएगा, एंटीरियर, मतलब वेजाइना से ऊपर की साइड है वो प्रेजेंट होती है। ओके, बाकी सारे स्टेटमेंट है वो आपके यहाँ पे सही है रिगार्डिंग टू फीमेल यूरिथ्रा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है द पिरामिडल शेप टिश्यू वेयर द पेल्विस फ्लोर एंड पेरिनियल मसल्स एंड फेशिया मीट, ठीक है, इन बिटवीन द वेजाइनल एंड एनल कैनाल इज कॉल्ड एज, आंसर पुट कर दीजिए। बिल्कुल, एनस के पोस्टीरियर होता है, बिल्कुल सही बोला है। यहाँ पे सुरेश ने सही बोला है कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग की अपन बात करते हैं तो वो हमेशा वेजाइना के क्या होती है, ऊपर की साइड होती है, अपर, मतलब अगर अपन बात करें एंटीरियर, और जो एनल ओपनिंग होती है वो कैसी होती है, पोस्टीरियर, मतलब नीचे की साइड होती है। तो ये एनल ओपनिंग हो गई, और ये आपकी जो है वेजाइनल ओपनिंग हो गई, ये आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई। ठीक है, तो ऊपर की साइड होती है हमेशा, नीचे की साइड कौन सी होती है आपकी, एनल ओपनिंग होती है, बिल्कुल सही है सुरेश जी। यहाँ पे अपन बात करते हैं आपका, आपके सामने क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपके सामने है, यहाँ पे पूछा है। अब देखते हैं यहाँ पे आपका आंसर है वो क्या होने वाला है। देखो अगर अपन गाइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चले तो गाइड में ये क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपका गलत है। गाइड के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं तो ये क्वेश्चंस का आंसर है उस गाइड में गलत दिया हुआ है। यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होने वाला है वो रहने वाला है आपका डी, डी इज द राइट आंसर। उसको अपन क्या बोलते हैं आपका, आपका ऑब्स्टिकल पेरिनियम भी बोलते हैं, और उसको अपन पेरिनियल बॉडी भी बोलते हैं। अरे ऑब्स्टिकल पेरिनियम, पेरिनियम में अपन कट लगाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिजियोटोमी बोलते हैं, एपिजियोटोमी बोलते हैं कि नहीं बोलते। और अगर पेरिनियल बॉडी के में अपन कट लगाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिनियोटोमी, पेरिनियोटोमी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो आपका पेरिनियम वाला पार्ट होता है उस पेरिनियम वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, आपका पेरिनियल बॉडी भी बोलते हैं। पेरिनियम वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पेरिनियल बॉडी भी बोलते हैं। इसलिए गाइड के अंदर ये जो आपका आंसर है यहाँ पे डी होना चाहिए, ए एंड बी आपका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अपन एक चीज के लिए काम में लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, जब आपकी एग्जाम वगैरह की अपन बात करें तो एक बार ये क्वेश्चन बना हुआ है कि अपन पेरिनियम वाले पार्ट के अंदर कट लगा रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वहां पे ऑप्शन के अंदर आपका एपिजियोटोमी नहीं था, वहां पे ऑप्शन में था आपका पेरिनियोटोमी। अब पेरिनियोटोमी आपका है वो कहां से वर्ड निकला है, तो पेरिनियोटोमी आपका वर्ड निकला है आपका, वो निकला है पेरिनियल बॉडी से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपका, वो होगा आपका डी इज द राइट आंसर। ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल पोजिशन ऑफ यूट्रस, आपकी यूट्रस की नॉर्मल पोजिशन है, यहाँ पे आपसे पूछिए कि आपकी जो यूट्रस है उसकी नॉर्मल पोजिशन है वो क्या होती है। क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहिए साथ के साथ में। अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, फीलिंग गुड या नॉट गुड, इंग्लिश नहीं आती थी है ना, फीलिंग अच्छी है या खराब है आपकी, वो शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, बुक के अंदर ए दिया है बट अपना क्या होगा वहां पे, डी राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों एक ही वर्ड के लिए, एक ही जगह के लिए दो वर्ड यूज किए गए हैं, तो अपना डी वहां पे है वो राइट होने वाला है।
चलिए जी भाई, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, आपका पूछा है आपसे पोजिशन, पूछा है पोजिशन या फिर अगर आपसे एंगल पूछता है तो भी आपका सेम ही क्वेश्चन होगा, पोजिशन और एंगल। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। जो यूट्रस होता है उसकी क्या होती है, एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्शन। एंटीवर्टेड किस किस के बीच में बनता है आपका, तो आपको याद रखना है सर्विक्स एंड वेजाइना के बीच में एंगल बनता है, किसके बीच में, सर्विक्स एंड वेजाइना के बीच में एंगल बनता है, और कितना बनता है आपका 90 डिग्री का बनता है। एंटीफ्लेक्शन किस किस के बीच में बनता है, सेल्फ यूट्रस, यूट्रस का खुद के साथ में एंगल बनता है, वो कितने डिग्री का बनता है आपका, 120 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जो पोजिशन होती है यूट्रस की वो कैसी होगी आपकी, वो होगी यहाँ पे, वो होगी आपकी यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्शन। 90 डिग्री का बनता है, एंगल बनता है वेजाइना और सर्विक्स के बीच में, और यहाँ पे सेल्फ यूट्रस के साथ में 120 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉरवर्ड, ठीक है, बिहाइंड ऑफ द यूट्रस इन रिलेशन टू द वेजाइना इज कॉल्ड। जल्दी से आंसर पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे पूछा है कि आपका जो यूट्रस है वो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बिहाइंड ऑफ द यूट्रस रिलेशन टू द वेजाइना इज कॉल्ड, वेजाइना के साथ में क्या रिलेशन बनाता है आपका यूट्रस। बिल्कुल, आप तो बस आपका आंसर है वो जल्दी जल्दी पुट करते रहिए, क्योंकि अपन है वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी टाइप का, आपका आंसर है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, आपका यूट्रस है वो क्या हो रहा है, वेजाइना के सामने की साइड आता है। ठीक है, मतलब अगर अपन बात करें यूट्रस का खुद के साथ में, सेल्फ का बनता है तो सेल्फ का बनता है तो सिंपल सी बात है, अगर यूट्रस है वो खुद के सेल्फ का जो एंगल बनाता है तो वो यूट्रस का पार्ट किसके साइड में आएगा आपका, सेल्फ का। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा एंटीफ्लेक्शन। अरे भाई सिंपल सी बात है, जो यूट्रस है वो क्या हो जाएगा, ये वेजाइना मान लो तो यूट्रस क्या होगा, ऐसे घूम के, मतलब सेल्फ के साथ में ऐसे ही तो बनाएगा, तो किसके सामने आएगा ये आपका, वेजाइना के। तो वेजाइना और यूट्रस का एंगल आपसे पूछता है, अगर आपसे पूछता है वेजाइना और सर्विक्स का, देखो यहाँ पे किसका पूछा है, अगर आपसे पर्टिकुलर पूछता है वेजाइना और सर्विक्स का पूछता है, वेजाइना और सर्विक्स का पूछता है, तब तो आप क्या बोलते हैं, एंटीवर्जन बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है वेजाइना और यूट्रस, यहाँ पे सर्विक्स का नाम नहीं दिया हुआ है, केवल यूट्रस का नाम दिया हुआ है, तो आपका क्या होगा, एंटीफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपका, देखो फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका वेजाइना और सर्विक्स दिया होता यहाँ पे, ठीक है, यूट्रस की जगह क्या लिखा होता आपका, वो सर्विक्स लिखा होता है, तो अपन क्या करते हैं, एंटी वर्जन करते हैं, लेकिन यहाँ पे एंटी फ्लेक्शन होगा, बिकॉज यहाँ पे यूट्रस का नाम लिया है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है यूट्रस विथ डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड, जो फंडस वाला पार्ट होता है यूट्रस वाला, वो क्या हो रखा है आपका, डिप्रेस हो रखा है, मतलब एक तरह से अपन बात करें फंडस वाला पार्ट क्या हो रखा है, नीचे की साइड दबा हुआ है। बिल्कुल, मैंने भी यही बोला है, अगर आपका सर्विक्स का नाम लेता है तो वहां पे क्या आता है आपका, एंटीवर्जन आता है। ठीक है, लेकिन वहां पे यूट्रस लिखा हुआ है। चलो जी भाई आंसर पुट कर दीजिए, यहां पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही आपका राइट आंसर होगा, आर्कुएट यूट्रस अपन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फंडस वाला पार्ट है वो डिप्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका जो सेकंड है उसके अंदर क्या होता है, यूट्रस के अंदर, देखो इसके अंदर क्या होता है, ऊपर वाले के अंदर तो क्या होता है, एरिक्यूएट के अंदर तो क्या होता है, सिंपल सा होता है, वो जो अंदर वाला पार्ट होता है वो डिप्रेस होता है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो पूरा फंडस वाला ऊपर वाला पार्ट भी ऐसे ही होता है, ऐसे डिप्रेस होता है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका सेप्टेट के अंदर बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है आपका, यहाँ पे है वो सेप्टम बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपका, सेप्टम बन जाता है, ऐसे अंदर की साइड क्या होता है आपका, सेप्टम है वो बन जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ के अंदर क्या होता है, फोर्थ के अंदर ये पूरा सर्विक्स तक क्या हो जाता है आपका, नीचे तक है वो डिप्रेस हो जाता है पूरा, ऐसे सर्विक्स वाले पार्ट तक, ऐसा लगता है जैसे यूट्रस के दो पार्ट हो चुके हैं, सर्विक्स वाले पार्ट तक क्या हो जाता है, नीचे जो फंडस वाला पार्ट है वो डिप्रेस हो जाता है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे
कौन सा होगा आपका? अर्क्यूएट यूट्रस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है आपका थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो थिकेस्ट लेयर है वो कौन सी होती है, यूट्रस के अंदर सबसे मोटी लेयर है वो कौन सी होती है, जल्दी से आंसर पुट कर दीजिए। यूट्रस के अंदर थिकेस्ट, बिल्कुल सेप्टम में क्या हो जाता है आपकी दोनों ऐसे अलग अलग, ऐसे लगता है जैसे यूट्रस पूरा सेपरेट हो चुका है, ठीक है, अंदर की साइड से, ऊपर फंडस वाला पार्ट उसमें अंदर की साइड नहीं आता है ना, और जो नीचे वाला था उसके अंदर क्या होता है, जो फंडस वाला पार्ट है वो भी पूरा अंदर तक चला जाता है। आंसर पुट कर दीजिए, यहाँ पे पूछा है आपसे थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की सबसे थिक लेयर कौन सी होती है, मोटी लेयर कौन सी होती है, जल्दी से आंसर पुट कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए ऑल स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जो मायोमेट्रियम होती है वो क्या होती है, सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या होती है आपकी मस्कुलर लेयर होती है, मसल से मिलके बनी होती है, तो सबसे मोटी कौन सी होती है आपकी, वो होती है बी इज द राइट आंसर, वो होती है आपकी मायोमेट्रियम होती है, वो सबसे मोटी होती है, ठीक है। तीन लेयर होती है आपकी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होती है, बाहर की साइड होती है, मायोमेट्रियम मिडल में होती है, और जो एंडोमेट्रियम होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, अंदर की साइड से क्या करती है आपका जो है फॉर्मेशन करती है अंदर वाली लेयर का। अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जो गाइड में सोल्व करवा रहा हूँ तो मैं किसी चीज का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, है ना, किसी भी बुक का मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको गाइड लेके आनी है, मैं किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ ना, मैं किसी गाइड के लिए बोल रहा हूँ, बस मेरा मेन मोटिव ये है, अगर आप लोगों के पास है तो मैं उसको सोल्व करवा रहा हूँ, बस मेरा इतना सा मोटिव है, मेरा सोल्व करने का है, मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट से कोई मतलब नहीं है मेरा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी, म्यूकस लाइनिंग जो यूट्रस के अंदर है वो म्यूकस लाइनिंग है वो कौन सी होती है। सर कुछ तो नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा भाई, अगर चश्मा वश्मा लगा रखे हो तो चश्मा लगा लीजिए, पता नहीं आप भूल गए हो आपने चश्मा नहीं लगा रखा हो। चलो जी भाई आंसर पुट कर दीजिए, यहाँ पे आपसे पूछा है म्यूकस लाइनिंग का पूछा है, तो यूट्रस के अंदर जो है आपकी यूट्राइन कैविटी के अंदर अपन बात करते हैं तो म्यूकस लाइनिंग, आंसर पुट कर दीजिए म्यूकस लाइनिंग, म्यूकस लाइनिंग का फॉर्मेशन है वो कौन सी जो लेयर है वो करती है, आंसर क्या होगा आपका। अपन ने जो है थिकेस्ट तो देख लिया, सबसे मोटी लेयर देख ली अपन ने, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे म्यूकस लाइनिंग का, तो आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो म्यूकस लाइनिंग, अगर म्यूकस का पूछा है तो सिंपल सी बात है, यूट्रस के इनर साइड में कौन सी लेयर होती है आपकी, तो वो होती है आपकी एंडोमेट्रियम, तो म्यूकस में भी कौन सी होगी आपकी, यही है वो लाइनिंग प्रेजेंट होती है, तो जो एंडोमेट्रियम होती है जो इनर वाली पार्ट होता है वही क्या होता है आपका यहाँ पे लाइनिंग है, वो म्यूकस लाइनिंग देखने को और मिलती है। ओके तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि अंदर म्यूकस लाइनिंग पूछा है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे अंदर की साइड जो लेयर होती है वही क्या होगी आपकी म्यूकस लाइनिंग के अंदर होगी, तो वो होगी आपकी एंडोमेट्रियम होगी। ओके चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूटेराइन पेसमेकर सिचुएटेड एट, जो यूटेराइन पेसमेकर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जल्दी से आंसर पुट कर दीजिए, यूटेराइन पेसमेकर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं यूट्रस की, चलो जी भाई यहां पे अपन बात करते हैं यूट्राइन पेसमेकर की, जल्दी से है वो आंसर पुट कीजिए भाई, स्पीड से आंसर पुट कीजिए भाई, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास फिनिश होने के बाद कमेंट कीजिएगा तभी अपन कंटिन्यू रखेंगे, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, अपन है वो क्लास बंद कर देंगे, है ना। अगर आपको अच्छी लगती है सॉल्विंग क्लासेस तो अपन कंटिन्यू करेंगे, पीआर यादव जैसे कंप्लीट होगी अपन अदर बुक है वो फॉलो करने वाले हैं बाद में, ठीक है। अब वो डिसाइड करेंगे अपन कि पीआर यादव के बाद अपन कौन सी बुक है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कोनो ऑफ द यूट्रस क्या प्रेजेंट होता है आपका, पेसमेकर प्रेजेंट होता है। अब वो कहाँ होता है, देखो आपकी जहां पे ओपनिंग होती है, जहां पे आपकी यूटेराइन ट्यूब की ओपनिंग होती है उसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट होता है आपका, पेसमेकर प्रेजेंट होता है। तो आपका ये जो ब्रेन है, जो माथा है, वहां से क्या आता है आपका, ऑक्सीटोसिन आता है और इन दोनों पेसमेकर के ऊपर क्या करता है आपका, काम करता है और बोलता है दीदी दीदी जल्दी से कॉन्ट्रेक्शन करो वरना पापा पीछे से मारने वाले हैं। पापा कौन है इधर, अपन बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको अपन बोल देते हैं पापा बोलते थे, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन है वो बोलेगा यहाँ पे कोनो ऑफ द यूट्रस को पेसमेकर, बोलेगा दीदी जल्दी से कॉन्ट्रेक्शन करो वरना पापा है वो जूत मारने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोनों साइड प्रेजेंट होता है क्या,
पेसमेकर प्रेजेंट होता है और इसी पेसमेकर के द्वारा क्या होता है, यूट्रस के अंदर है वो कॉन्ट्रेक्शन आपका देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोनों साइड कहां प्रेजेंट होता है, जहां पे आपकी जो है फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है उसके साइड में दोनों है वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, कॉर्नर ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका, यहाँ पे पूछा है नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। नॉर्मल साइज पूछा है, यूट्रस की जो नॉर्मल साइज है वो क्या होती है, तो जल्दी से आंसर पुट कर दीजिए। बिल्कुल, ऑल्सो नोन है जिसको क्या बोलते हैं अपन, यूटेराइन। ठीक है, ट्यूबल ऑस्टिया भी अपन उसको बोलते हैं, ट्यूबल ऑस्टिया भी इसको अपन बोलते हैं। जो पेसमेकर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं आपका, ट्यूबल ऑस्टिया भी बोलते हैं। बिल्कुल सही है, ट्यूबल ऑस्टिया भी अपन बोलते हैं। देखो, अगर आप हैं ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो आपके साथ हैं यहाँ पे और स्टूडेंट्स को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। समटाइम क्या होता है, अगर मेरी साइड से कुछ मिस हो जाता है तो आप यहाँ पे है वो अपना नॉलेज भी यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, आपको जो पता है वो आप यहाँ पे दीजिएगा, ताकि बच्चों को पता चले कि यार वास्तव में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास में एक्स्ट्रा नॉलेज है, और टीचर के साथ में स्टूडेंट का नॉलेज भी आपको प्रोवाइड हो रहा है। और नॉलेज बांटने से ही हमेशा क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। अगर आप छुपे रुस्तम हो, अगर आप छुपा के रखते हो तो आप छुपके ही रह जाओगे, और अगर आप अपना नॉलेज बाहर निकालते हो। अब नॉलेज भी टू टाइप से बाहर निकलता है, एक तो निकलता है स्टडी लेवल पर, एक निकलता है दूसरा कुसमादी लेवल पे। कुसमादी सब समझते हैं कौन सी कुसमादी होती है ना। चलो जी, तो आपको स्टडी लेवल पे है वो बाहर निकालना है अपना नॉलेज। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका डी इज द राइट आंसर। देखो, अगर अपन बात करते हैं यूट्रस की, बात करते हैं ये यूट्रस है। ओके, तो इस यूट्रस की अगर अपन बात करते हैं तो आपकी जो लेंथ होती है ये क्या है, लेंथ है, तो लेंथ कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर होती है। ये क्या है, विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी होती है, वो होती है आपकी 5 सेंटीमीटर होती है। और जो थिकनेस की बात करते हैं तो ये जो थिकनेस होती है कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डी इज द राइट आंसर। ये क्या होती है आपकी, यहाँ पे देखने को और मिलती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नॉर्मल यूट्रस का जो वेट होता है वो ग्राम में कितना होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि यूट्रस का जो वेट है, सर इस बुक का फंडामेंटल करवा दीजिए। अरे सब्र करो, सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है और कई बार तीखा भी हो जाता है ना। तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस, कंडीशंस के ऊपर है वो डिपेंड करता है। तो सब्र करोगे तो आपको खट्टा मीठा देखने को मिलेगा। पानीपुरी वाले के पास जाते हो है ना, तो लड़कियां बोलते हैं ना भैया मेरे को खट्टा मीठा खिलाना, तो वही आपका है वो, सब्र करोगे तो आपको खट्टा मीठा फल यहाँ पे मिलने वाला है। बिल्कुल, प्रेगनेंसी में जो वेट होता है, प्रेगनेंसी के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर जो लेंथ होती है यूट्रस की, नॉर्मल लेंथ की अपन बात करें अगर 7 सेंटीमीटर है, तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो जाती है, 7 × 5 मतलब 35 सेंटीमीटर क्या हो जाती है, लेंथ हो जाती है। किसमें, आपकी टर्म प्रेगनेंसी में। टर्म प्रेगनेंसी में क्या हो जाती है, लेंथ ऑफ यूट्रस कितनी हो जाती है आपका, 35 सेंटीमीटर हो जाता है। अगर यहाँ पे अपन ग्राम की बात करते हैं तो नॉर्मली कितना होता है आपका, आंसर क्या होगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है वो राइट आंसर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं नॉर्मल जो वेट होता है वो कितना होगा, यहाँ पे आपका सी ही होगा, 60 ग्राम है वो देखने को मिलता है। ठीक है, 60 ग्राम क्या होगा आपका, यूट्रस का जो वेट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अपन बात करते हैं टर्म प्रेगनेंसी के अंदर, टर्म प्रेगनेंसी के अंदर जो यूट्रस का वेट होता है वो कितना हो जाता है, 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। किसके अंदर, टर्म प्रेगनेंसी के अंदर वेट आपका कितना हो जाता है, 900 से 1000 ग्राम है वो आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आपसे पूछे एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नॉन एज, आपकी जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की जो इनर लेयर होती है उसको अपन प्रेगनेंसी के अंदर क्या बोलते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। जल्दी से क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कितने दिन बाद, अब देखो करते हैं, शुरुआत भी करवाते हैं। पचास सही नहीं होगा, एवरेज अपन 60 ग्राम मानते हैं। अरे एवरेज कितना मानते हो आप यूट्रस का वेट, एवरेज कितना मानते हैं अपन, 60 ग्राम ही तो मानते हैं। चलो जी भाई, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आपसे पूछता है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो ए इज द राइट आंसर। उसको अपन क्या बोलते हैं आपका, डेसिडुआ बोलते हैं। किसके अंदर, जो एंडोमेट्रियम होती है उसको प्रेगनेंसी के अंदर। और आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में, आफ्टर डिलीवरी
स्टेड आउट, जो स्टेड आउट होती है वो भी कौन सी होती है आपकी, यही लेयर होती है। अरे डिलीवरी के बाद में जो टूट के बाहर निकलती है वो कौन सी होती है आपकी, डेसीडुआई ही होती है। और जो जायगोट होता है उसका जो इम्प्लांटेशन होता है, जायगोट कहाँ पे इम्प्लांट होता है तो आपको याद रखना है डेसीडुआ पे ही क्या होता है आपका जायगोट है वो इम्प्लांट होता है। प्रेगनेंसी के अंदर इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम को अपन क्या बोलते हैं आपकी, डेसीडुआ है वो अपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे पूछा है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवम हैज इम्प्लांट इटसेल्फ द एंडोमेट्रियम इज नॉन एज, क्या पूछा है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, अरे फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं अपन, एक साइड से क्या होगा आपका स्पर्म होगा जो कहां से आएगा, मेल की साइड से आएगा, और फीमेल की साइड से क्या आता है आपका, वो आता है ओवम आता है, ठीक है। दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलते हैं उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेस को वो बोलते हैं आपका फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अरे मिलने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे आपके जो लड़का और लड़की की शादी होती है, तो शादी होती है तो वो जो फेरे होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, इन दोनों की भी शादी हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। और क्या बनता है आपका, जायगोट बनता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो ओवम होता है वो आपका जो है कहाँ पे है वो इम्प्लांट होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, देखो अभी अभी मैंने बताया फिर भी आप गलतियां कर रहे हो, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, डेसीडुआ पे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि जायगोट है वो कहाँ पे इम्प्लांट होता है आपका, या जो एंडोमेट्रियम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं उसके अंदर, तो वो होगा आपका डेसीडुआ अपन बोलेंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है द कार्डिनल फंक्शन ऑफ द डेसीडुआ इज, आपका जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा, किसका, डेसीडुआ का। कार्डिनल फंक्शन क्या होगा डेसीडुआ का, आंसर पुट कर दीजिए जल्दी से, जो डेसीडुआ होती है उसका मेन फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, अरे यार इम्यूनिटी तो कैसे प्रोवाइड करेगी, नहीं नहीं, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी नहीं करेगी, ऑल तो वैसे भी नहीं होगा। तो आपको याद रखना है डेसीडुआ का जो कार्डिनल फंक्शन होता है, जो मेजर फंक्शन होगा वो क्या होगा, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से पुट कर दीजिए। अरे ऑल कैसे होगा भाई, अरे ऑल कैसे होगा, निखिल जी आज आप पकड़े गए, ऑल कैसे होगा मुझे बताइए, ऑल कैसे होगा, यहाँ पे ऑल नहीं होगा। अरे डेसीडुआ क्या जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, डेसीडुआ क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, अरे डेसीडुआ इम्यूनिटी कब से प्रोवाइड करने लग गई, डेसीडुआ है हार्मोन का प्रोडक्शन कब से करने लगी, हार्मोन का प्रोडक्शन तो आपकी प्लेसेंटा करती है, ओवरी करती है, ठीक है, या कार्पस लूटियम करती है, ठीक है, इम्यूनिटी कहां से प्रोवाइड हो गई यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी, अरे प्रेगनेंसी को मेंटेन करके कौन रखती है आपकी, डेसीडुआ तो करती है, और डेसीडुआ को मेंटेन करके कौन सा हार्मोन रखता है आपका, जो प्रोजेस्टोन हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टोन जो हार्मोन होता है वो किसको मेंटेन करके रखता है आपकी, डेसीडुआ को, और डेसीडुआ किसको मेंटेन करके रखती है, प्रेगनेंसी को। तो अगर अपन सीधा शॉर्टकट बोले कि प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन होल्ड करके रखता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रोजेस्टोन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखता है, लेकिन वो होल्ड किस बेस पे करेगा, अरे डेसीडुआ के बेस पे ही तो करेगा, आपका इम्प्लांटेशन यही तो हो रहा है आपके, इस पे हार्मोन में थोड़ी हो रहा है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन तो डेसीडुआ में ही हो रहा है ना, तो आपका मेन पर्पज क्या है, डेसीडुआ को मेंटेन करने का, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, डेसीडुआ को मेंटेन करता है, और ये जो आपकी डेसीडुआ होती है ये आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है और उसको होल्ड करके रखती है। तो आपको सीधा नहीं घुसना है ना, अपन जो पढ़ते हैं वो सीधा घुसने वाली चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इसका शॉर्टकट अपन पढ़ रहे हैं आज तक, लेकिन अगर इसका लंबा रास्ता देखें तो ये यहाँ पे खेल है वो देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है कॉर्पस और सर्विक्स रेशियो, कॉर्पस मतलब यहाँ पे बॉडी वाले पार्ट का है वो रेशियो पूछा है आपसे, ठीक है। लेकिन ये पीआरिया दो बुक के अंदर मेरे को गलत लगा, ठीक है, मेरे को ये है वो गलत लग गया पूरा मामला, मेरे को पीआरिया दो के अंदर ये मामला थोड़ा गलत लगा, ये क्वेश्चन सी ही गलत है, इसका आंसर भी गलत ही होगा। देखो अगर अपन बात करते हैं, क्लास को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए, पीआर यादव में ये क्वेश्चन गलत है, मेरी साइड से तो पूरा 100% है ये क्वेश्चन गलत है पीआर यादव में, ठीक है, ये गलत कैसे हुआ वो अपन बात करते हैं। देखो अगर अपन बात करते हैं बॉडी के रेशियो की और सर्विक्स के रेशियो की अपन बात करते हैं, तो बॉडी और सर्विक्स का रेशियो जो 8 बर्थ के ऊपर होता है, ठीक है, 8 बर्थ पे है वो कितना होता है आपका, तो 8 बर्थ पे आपका होता है वो होता है आपका 1:2 होता है। लेकिन अगर अपन बात करें अप टू प्यूबर्टी,
अप टू प्यूबर्टी की अपन बात करते हैं तो अप टू प्यूबर्टी आपका जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका 1:1 होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव एज में होता है, रिप्रोडक्टिव एज में क्या होता है आपका 2:1 होता है। और आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद में आपका जो रेशियो होता है वो 1:1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो गाइड्स के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो गाइड के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या दिया हुआ है, गाइड के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे बी। अब बी तो आपका राइट आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं होगा क्योंकि बी का मतलब तो आपका सीधा सीधा यहाँ पे आ गया रिप्रोडक्टिव एज में आ गया। यहाँ पे दिया हुआ है अप टू 10 ईयर ऑफ एज। अगर मैं यहाँ पे प्यूबर्टी का मानूं तो मैं मान सकता हूं कि यहाँ पे 1:1 है वो आपका आ सकता है क्योंकि आपकी जो प्यूबर्टी होगी, अगर आपकी प्यूबर्टी की मैं बात करूं तो प्यूबर्टी होती है आपकी 10 से 16 साल के बीच में आती है। और अगर मैं पीक एज मानूं प्यूबर्टी की तो आपकी 13 साल होती है। लेकिन इन्होंने जो आंसर के अकॉर्डिंग माना है वो मान लिया सीधा सीधा रिप्रोडक्टिव एज का मान लिया। तो भाई साहब रिप्रोडक्टिव एज का तो आपका किसी कंडीशन में यहाँ पे नहीं होगा। और आपके सामने ये रेशियो भी नहीं दिया हुआ, प्यूबर्टी वाला रेशियो भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे सारा खेल क्या है, ऑप्शन या तो ऑप्शन गलत है, यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका गलत है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है। यहाँ पे है वो 1:1 होना चाहिए था, यहाँ पे 1:1 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर प्यूबर्टी की मैं एज मानता हूं तो 10 से 16 साल पे फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है और पीक एज की मैं बात करूं तो 13 साल होती है। लेकिन इन्होंने जो राइट आंसर माना है वो रिप्रोडक्टिव एज का माना है। तो भाई साहब रिप्रोडक्टिव एज अप टू 10 इयर्स बिल्कुल गलत है, डी भी नहीं होगा। यहां पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन के अंदर 1:1 होना चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन के अंदर यहां पे 1:1 होना चाहिए था, तब जाके अपन है वो प्यूबर्टी का राइट मान सकते थे 10 साल के ऊपर। ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन 1:1 दिया हुआ ही नहीं है तो अपन किसको राइट मान लें अपन, ठीक है। चलो जी भाई नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहां पे पूछा है आपका लेंथ ऑफ सर्विक्स, क्या पूछा है आपका, बिल्कुल ऑप्शन ही गलत है आपका, ओके। चलो जी भाई यहां पे अपन बात करते हैं आपका लेंथ ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है अगर आपसे पूछता है। देखो ये अपन बात करते हैं आपका यूट्रस की बात करते हैं, ठीक है। तो यूट्रस में यहाँ पे आपकी लेंथ से क्वेश्चन बनता है। अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को हटा दूं, फेलोपियन ट्यूब को, ठीक है, इनको साइड में कर देते हैं ना, साइड में रख दूं, इनको निकाल के साइड में रख दिया अपन ने। अब अगर अपन बात करते हैं तो यूट्रस के है वो 3 पार्ट्स होते हैं आपके। एक तो होता है आपका बॉडी वाला पार्ट होता है, एक होता है आपका इस्थमस वाला पार्ट होता है, और एक पार्ट होता है आपका वो होता है सर्विक्स। ये 3 पार्ट होते हैं किसके, आपके यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। जो बॉडी वाला पार्ट होता है उसके अंदर एक तो फंडस वाला पार्ट होता है, एक होता है आपका बॉडी कैविटी, ठीक है, और एक होता है आपका इस्थमस वाला। तो इस्थमस की 0.5 सेंटीमीटर क्या होती है आपकी लेंथ होती है, सर्विक्स की 2.5 सेंटीमीटर है वो लेंथ होती है, फंडस की 1.5 सेंटीमीटर होती है ना, और यहाँ पे 3 to 4 सेंटीमीटर किसकी होती है आपकी बॉडी कैविटी की होती है। तो ये क्या होती है आपकी लेंथ होती है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है आपके सर्विक्स की है वो लेंथ देखने को मिलती है। अरे क्लासेज को तुम लाइक एंड शेयर क्यों नहीं कर रहे भाई, शेयर कर दो क्लासेज को, बच्चों तक अपनी क्लासेज वो पहुंच जानी चाहिए। मे भी अपनी 3-4 दिन से क्लास नहीं हुई ना, इसलिए बच्चे है वो थोड़ा अब्सेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्विक्स डेवलप फ्रॉम, जो सर्विक्स होता है वो कौन सी डक्ट से है उसका फॉर्मेशन होता है, जल्दी से आंसर पुट कर दीजिए। सर्विक्स का जो फॉर्मेशन है वो कौन सी डक्ट से होता है, जल्दी से आंसर पुट कर दीजिए। देखो सर्विक्स या तो आपसे है वो क्वेश्चंस के अंदर दिया हो सकता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, एक तो ये है, एक आपका हो सकता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो सकता है, ठीक है, सिस्टम भी हो सकता है या ऑर्गन आपका हो सकता है। अगर देखो फीमेल के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का नाम लेके पूछता है तब भी अपने को राइट आंसर क्या करना है आपका, वो मुलेरियन डक्ट ही करनी है। किसी ऑर्गन का नाम लेके पूछे या फिर पूरा फीमेल के बारे में पूछे तो क्या होगा आपका मुलेरियन डक्ट होगा, मेल के बारे में पूछता है तो आपका क्या होगा वॉल्फियन डक्ट होगा, ठीक है, वॉल्फियन डक्ट। अब देखो फीमेल के अंदर आपके क्या है, 2 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एक तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं, एक इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते हैं। तो आपको इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के नाम लेके भी पूछ सकता है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के नाम लेके भी आपसे डक्ट पूछ सकता है, लेकिन अपना राइट आंसर क्या होगा वो ही होगा। फीमेल के किसी भी ऑर्गन के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर ये होगा, मेल के किसी भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके बारे में पूछे तो ये मेल के बारे में, ये फीमेल के बारे में, ठीक है, क्लियर है। यहां तक अपने डाउट्स हैं, अगर कोई डाउट्स हो तो आप बता सकते हो।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिलोपियन ट्यूब इज लाइन बाई, आपकी जो फिलोपियन ट्यूब होती है उसकी जो इनर लेयर होती है, ठीक है, अगर अपन बात करें फिलोपियन ट्यूब की इनर लेयर की बात करें तो ये किससे लाइन होती है, किससे मिलके बनी होती है, तो जो इनर लेयर होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है आपके, आंसर पुट कर दीजिए वहां पे फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है, आंसर पुट कीजिए क्या होगा। बिल्कुल मेल और फीमेल दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लास का टाइम चेंज नहीं करेंगे, क्लास का टाइम मॉर्निंग में 10 बजे और शाम को 5 बजे ही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं होता मामला। यहाँ पे अपन बात करें तो सीलेटेड एपिथीलियम कौन सी होती है, सीलेटेड एपिथीलियम ये जो मैंने ग्रीन लाइन से बनाया आपका, ये क्या होते हैं, इनको अपन सीलिया बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे आपका, सीलिया, सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो इनर लेयर होती है उसके अंदर क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती है, एक सेल और प्रेजेंट होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जो बीच में सेल प्रेजेंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आपकी पैग सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपकी पैग सेल इसको अपन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो इनर लाइनिंग होती है आपकी फिलोपियन ट्यूब की उसकी किससे मिलकर बनी होती है, आपकी सीलिएटेड एपिथीलियम से मिलकर बनी होती है, ठीक है, सीलिएटेड, ये जो क्या होते हैं आपकी जो ग्रीन लाइन से मैंने शो किया है ये सीलिया होते हैं, मतलब एक फिंगर या फिर अपन बात कर सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती है, आपकी पैक सेल प्रेजेंट होती है, ये पैक सेल प्रेजेंट होती है इनके बीच बीच में। अब पैक सेल क्या काम करती है ये अपन आगे बात करते हैं, ठीक है, चलो जी, बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इनर लाइनिंग के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका लेंथ ऑफ फिलोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम, यहां पर रेंज से क्वेश्चन आया है कि फिलोपियन ट्यूब की है वो रेंज क्या होती है, बिल्कुल सुरेश जी आपका बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चंस आगे भी आएंगे तो अपन उनको और अच्छे से एक्सप्लेन करते रहेंगे ना, अभी पैक सेल का आगे भी क्वेश्चन आएगा तो उसको अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे पैक सेल क्या काम करती है। सीलिया तो क्या करेगा, आपके जो ओवम एंड स्पर्म होता है ना, आपके ओवम एंड स्पर्म होता है उनको मोमेंट्स करने का काम करवाता है, ठीक है, मोमेंट्स करने में हेल्पफुल होता है, ओवम हो गया, स्पर्म हो गया और आपका जायगोट हो गया, इन तीनों को मोमेंट कौन करवाता है, आपका जो सीलिया होता है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो मोमेंट करने का काम करती है, ठीक है। यहां पे अपन बात करते हैं, यहां पे आपसे क्या पूछा है, रेंज के अंदर पूछा है कि फिलोपियन ट्यूब की लेंथ है वो रेंज के अंदर कितनी होगी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, देखो यहां पे अगर अपन बात करते हैं फिलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, या फिर अपन बात करें तो क्या होती है, 4 इंच होती है, मतलब अगर मैं एवरेज निकालू तो 1 इंच बराबर सेंटीमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, तो 4 इंच है मतलब क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे अपन वैल्यू देखें तो दोस्तों साथ तो किसी कंडीशन में नहीं होगा कि बिल्कुल ये तो 10 से कम ही आ गई आपकी, जहां पे अपन है वो एवरेज जो लेके आपकी रेंज लेंगे वो क्या लेंगे, आपकी 7 से 12 अपन ले सकते हैं, ये भी ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये बहुत कम हो गया, तो रेंज की अपन बात करें तो 7 से 10 सेंटीमीटर क्या होती है आपकी फिलोपियन ट्यूब की है वो लेंथ देखने को मिलती है। नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, 4 इंच होती है, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर आपका देखने को मिलता है, ठीक है। चलो जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं, यहां पे पूछा है पैक सेल आर सीन इन द, आपकी जो पैक सेल होती है वो कहां प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन के अंदर, स्टोमक के अंदर, फेलोपियन ट्यूब में या वेजाइना में, जल्दी से आंसर पुट कर दीजिए, जो पैक सेल होती है वो कहां प्रेजेंट होती है, पैक सेल कहां प्रेजेंट होगी, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी इनर लाइनिंग होती है फिलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसमें क्या होते हैं ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनको अपन सीलिया बोलते हैं, तो ये सीलिया जो होती है आपके मोमेंट करवाती है, एक तो स्पर्म को मोमेंट करवाती है, एक जायगोट को, और इसके अलावा जो आपका ओवम होता है उसको मोमेंट करने का काम करती है। अब इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती है आपकी, वो प्रेजेंट होती है आपकी पैग सेल, और पैग सेल का काम क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नशा पता करती है या नशा करवाने का काम करती है, ये जायगोट को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अरे पैग से न्यूट्रिशन मिलता है कि नहीं मिलता, जो पीता है उससे पूछना न्यूट्रिशन मिलता है पैग से भी, क्योंकि बंदा जो होता है ना इंग्लिश कब बोलता है, इंग्लिश तभी बोलेगा जब वो पैग लगा लेगा, तो पैग लगाने के बाद में जब फराटेदार इंग्लिश बाहर आती है, चाहे बंदा पढ़ा हुआ नहीं हो, चाहे गरीब हो, बिल्कुल बिल्कुल एक ढेला भी नहीं आता हो, मारवाड़ी जानता हो, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हो, लेकिन पीने के बाद में मतलब पैग लगाने के बाद में क्या होती है, उनको अचानक एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलते हैं वो हिंदी इंग्लिश
पता नहीं कौन कौन सी भाषा में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, जो पैक सेल होती है वो भी क्या करती है, आपके जायगोट को है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और वो कहां प्रेजेंट होती है आपकी, वो प्रेजेंट होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी इज द राइट आंसर। अरे पैक लगाने के बाद एनर्जी मिलती है, लगाने वाले से पूछना बता देगा जरूर मिलती है। वो ये बोलेगा भाई साहब आप भी लगा के देखो, और लगाने के बाद जो आप अपनी भाषा में जो बात करोगे मजा आ जाएगा आपको खुद को ही। बिल्कुल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, बिल्कुल सही है। चलो जी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। यहाँ पे पूछा है नेरोवेट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज द, आपकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका नेरोवेस्ट पार्ट कौन सा होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है वो अपना मिस हो गया ना, देख लेना भाई बुक के अंदर देख लेना एक ऑप्शन कौन सा है नीचे की साइड। एम्पुला वाला पार्ट है, डी ऑप्शन में क्या है आपका, एम्पुला वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपसे पूछा है सबसे नेरोवेस्ट पार्ट है वो कौन सा होता है फेलोपियन ट्यूब का, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, बिल्कुल सही है। आपका सबसे जो नेरोवेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है आपका, इंटरस्टीशियल पार्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं आपका, इंट्राम्यूरल पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इंट्राम्यूरल पार्ट भी अपन इसको बोलते हैं। जो इंटरस्टीशियल पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल पार्ट भी बोलते हैं। अब ये सबसे आपकी जो क्या होती है नेरोवेस्ट इसलिए होती है क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है 1 mm होता है। डायमीटर कितना होता है आपका इसका, 1 mm होता है। ये क्या होता है सबसे नेरोवेस्ट पार्ट होता है, सबसे पतला पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, लॉन्गेस्ट पोर्शन की बात करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पोर्शन है वो कौन सा होगा, जल्दी से आंसर पुट कर दीजिए। यहां पे आपसे लॉन्गेस्ट पोर्शन पूछा है, आंसर पुट कीजिए लॉन्गेस्ट पोर्शन है वो कौन सा होता है। चलो जी भाई बताइए। अरे मौज मौज किस चीज की कर दी रे। अच्छा नितिन सर ने कोई कमेंट किया है क्या, क्या कमेंट किया है नितिन सर ने, मेरे लिए किया होगा मुझे पता है। नितिन सर, नितिन सर को भाई तुम सपोर्टिंग नंबर पे परेशान मत किया करो, जब भी कॉलिंग करनी हो तो इस नंबर पे किया करो, नितिन सर को परेशान मत किया करो, है ना। नितिन सर शादीशुदा इंसान है यार, हर टाइम फोन करते रहते हो उनके पास में, तो आप तो इस नंबर पे कॉल किया करो, नितिन सर के पास फोन मत किया करो, ठीक है। इस नंबर पे कॉल मत किया करो, इस नंबर पे कॉल किया करो, नितिन सर के पास कॉल मत किया करो, इस नंबर पे किया करो, नितिन सर शादीशुदा इंसान है, उनको परेशान नहीं करना बिल्कुल भी, है ना। पाप लगता है शादीशुदा इंसान को अगर परेशान करता है ना कोई, तो पाप लगता है, ठीक है। तो आपको पाप का भागीदारी नहीं होना है, आपको जो है इस नंबर पे है वो बात करनी है सपोर्टिंग नंबर पे, ठीक है। चलो जी भाई, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे कौन सा पोर्शन है वो सबसे लॉन्गेस्ट होगा आपका, जो एम्पुलरी पोर्शन है वो क्या होगा सबसे लॉन्गेस्ट आपका देखने को मिलेगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका, यहाँ पे पूछा है द फंक्शंस ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका फंक्शंस क्या होता है, काम क्या होता है, जल्दी से आंसर पुट कर दीजिए फेलोपियन ट्यूब का फंक्शंस क्या होता है। शादीशुदा इंसान का बहुत बड़ा पाप लगता है, ठीक है, अगर आप उसको छेड़ते हो तो। अरे मैं शादीशुदा नहीं हूं रे, मेरे को ना ऐसे मत करो, नहीं है हम तो, इसने कह दिया। क्या प्रूफ क्या है आप लोगों के पास। चलो जी ओके, तो यहां पे अपन बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब का जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है, जल्दी से आंसर पुट कर दीजिए फेलोपियन ट्यूब का फंक्शंस क्या होगा। क्या राइट आंसर करोगे आप, क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहिए साथ साथ में। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब का जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है आपका, फर्टिलाइजेशन करवाने का। क्या काम होता है, फर्टिलाइजेशन करवाने का। अरे भाई आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कौन करता है, या तो आपकी ओवरी कर सकती है, कार्पस ल्यूटियम कर सकती है आपकी, इसके अलावा प्लेसेंटा, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। पासेज वे ऑफ फीटस, तो पासेज वे ऑफ फीटस तो पास करने का, तो वेजाइना काम करता है, फीटस को बाहर निकालने का काम कौन करता है आपके, वेजाइना करता है। डेवलपमेंट कौन करता है, यूट्रस करता है, यूट्रस क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। फर्टिलाइजेशन कौन करता है आपका, जो फेलोपियन ट्यूब होती है वहां पे क्या होता है आपका, फर्टिलाइजेशन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका, यहाँ पे पूछा है फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उन्होंने यही दिया है बुक के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उन्होंने यही दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी उन्होंने यही दिया है कि आपकी जो फंक्शंस क्या होता है, किसका, फिलोपियन ट्यूब का है, वो फंक्शंस क्या होता है, तो आंसर पुट कर दीजिए। अरे तुम पढ़ाई में ध्यान दो रे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है वही क्वेश्चन है आपका, गाइड के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही दिया हुआ था आपका, यहाँ पे आपके ऑप्शन चेंज कर दिए, बस क्वेश्चन वही है कि फंक्शंस है वो कौन कौन सा होगा या कौन सा फंक्शंस होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे अब राइट आंसर क्या होगा आपका, वो होगा आपका जो फर्टिलाइज ओम होता है उसको क्या प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी, ठीक है, मतलब मोमेंट भी है वो प्रोवाइड कौन करता है आपका, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, मिलाने का काम भी करता है और उसको निकालने का काम भी करता है। जैसे फ्रेंड सर्किल होते हैं ना, तो दो दिल को मिलाने का काम कौन करते हैं, फ्रेंड करते हैं, लेकिन वो रखते नहीं है, वो बोलते हैं भाई साहब अब तुम मिल गए, अब तुम तुम्हारे गेले, ठीक है, और मैं मेरे घर पे, ये होता है कि नहीं होता। तो जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो मिलाने का काम भी करती है और धक्का मारने का काम भी करती है, ठीक है, जैसे आपके फ्रेंड करते हैं मिलाने का काम भी करते हैं, लास्ट में बोलते हैं भाई साहब अब तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो, हम ज्यादा उधारी नहीं लेने वाले, जितनी ले ली उतनी बहुत है। तो दोनों काम कौन करता है आपका, फेलोपियन ट्यूब है वो करती है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सरे स्टडी ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज, अगर मैं बात करूं एक्सरे स्टडी की, बात करूं फेलोपियन ट्यूब की, तो वो क्या होती है, इतने यूनिक क्वेश्चन सर। अरे भाई मैं क्या ग्रुप यार यादों में है ही ऐसे क्वेश्चन, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, अब जब जिम्मा लिया है सोल्व कराने का तो फिर करेंगे ना इसको, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो अब आप चाहे इसको इजी क्वेश्चन समझो, चाहे बकवास क्लास समझो, चाहे कुछ भी टाइम पास क्लास समझो, कुछ भी समझो, ठीक है, जो समझना है समझो, लेकिन अपन जो है करवाएंगे, अब जब क्वेश्चन सोल्व करवा ही रहे हैं तो पूरी करवाएंगे करवाएंगे ना, ऑल सब्जेक्ट आपके सोल्व करवाएंगे, टेंशन मत लो। क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए साथ के साथ में। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका सेल्फ एंजियोग्राफी। सेल्फ एंजियोग्राफी किसके लिए बात करते हैं अपन, एक्सरे स्टडी किसकी कर रहे हो आप, वो कर रहे हो फेलोपियन ट्यूब की। माइलोग्राफी, ठीक है, माइलोग्राफी मतलब स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कॉलिसिस्टोस्कोपी किसके लिए करते हैं भाई अपन, ये किसके लिए करते हो आप, गॉल ब्लैडर के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए क्या करते हो आप, वो करते हो आपका कॉलिसिस्टोस्कोपी। और पाइलोग्राफी अपन किसके लिए करते हैं, वो करते हैं आपके रीनल सिस्टम के लिए, किडनी के लिए कौन सा करते हैं आपका, पाइलोग्राफी, ठीक है। और ये किसके लिए करते हैं अपन, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, ठीक है, गॉल ब्लैडर, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, स्टडी ऑफ फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे आपके सामने हो गया है, ठीक है। तो ये जो है 30 क्वेश्चन है वो अपन ने लिए हैं पीआर यादव से। आई होप आपको जो है ओबीजी के स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो अच्छे लगे होंगे। बिल्कुल सोनाली जी आपका मोस्ट वेलकम है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग आपका, आप बहुत जल्दी पधार गए हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो भी स्टूडेंट हैं वो सीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीएचओ का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए आपका 499 के अंदर, ये 15 अगस्त तक है, वो आपकी प्राइस रहने वाली है, उसके बाद में ये प्राइस है आपकी 999 हो जाएगी, ठीक है। जो स्टूडेंट यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 999 के अंदर है वो कोर्स अवेलेबल है, 5 तारीख से है वो बैच स्टार्ट हो जाएगा। फुल कोर्स अवेलेबल है आपका, फुल कोर्स जो है आपका 2999 रुपए में है वो अवेलेबल है आपका, ठीक है। तो ये 3 कोर्स है वो आपके अवेलेबल, ओके तो जो भी स्टूडेंट है ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर लीजिए, कॉल कीजिए 7734804495 पे या फिर 8005820782 पे। अब देखो गाइड हम सोल्व करवा रहे हैं, थ्योरी पढ़ना आपके हाथ में है तो थ्योरी आप यहां से पढ़ सकते हो, गाइड अपन इधर सोल्व करवा रहे हैं, थ्योरी आपको यहां पढ़नी है, ठीक है, बिल्कुल पूरी गाइड है वो सोल्व करवाएंगे आपकी, ओके। क्लासेज को आपको शेयर करना है, लाइक एंड शेयर करना है क्लासेज को, और क्लास खत्म होने के बाद में अपना रिव्यू जरूर देना है, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद में अपना रिव्यू जरूर देना है। जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में नीचे है वो आपको क्या करना है, क्या कर दिया भाई, नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन है वो कल होंगे, ठीक है। तो
तो डेली दोनों टाइम आपके पीआर यादव के वो क्वेश्चंस होंगे, तो अपन एक मतलब अगस्त में है वो अपना टारगेट रहेगा कि अगस्त के अंदर जो है पूरी पीआर यादव वो अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे सितंबर के अंदर है वो स्टार्ट कर देंगे आपका जो है नेक्स्ट गाइड है वो अपन सोल्व कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल मनीषा चौधरी जी, अभी थोड़ा पीडीएफ अपलोड करने में प्रॉब्लम है, जैसे ही थोड़ी वो प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाती है आपको है वो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। अरे भाई क्या कर दिया नितिन सर ने। तो आपको क्या करना है इन सपोर्टिंग नंबर पे, ठीक है, इन सपोर्टिंग नंबर पे है वो आपको दोनों पे किसी पे भी कॉल कर लीजिएगा, कोर्स के रिकॉर्डिंग या कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो इन दोनों नंबर पे आप हैं कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, अरे सब करवाएंगे यार, सबर करो तुम। नितिन सर ने क्या किया भाई, मुझे ये बताओ तुम तो। कोई बात नहीं, आप दोनों से किसी नंबर पे भी कॉल कर लेना यार, ठीक है। ओके, तो ये अपना है वो क्वेश्चंस रहने वाला है, तो क्लासेज को तुमको लाइक एंड शेयर करना है, और सर सर्टिफिकेट दिखाएंगे, बिल्कुल देख लीजिए सर्टिफिकेट भी देख लीजिए, घट जाओगे तब पता चलेगा, बिल्कुल देख लेंगे सर्टिफिकेट भी देख लेंगे। तो आपको क्या करना है, क्लासेज को लाइक एंड शेयर करना है, दूसरी चीज जैसे क्लास कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद उसमें कमेंट करके आपको बताना आपको क्लास कैसी लगी, कल मॉर्निंग में ओबीजी या फिर कुछ और अलग होगा, कल मॉर्निंग में कुछ दूसरी सब्जेक्ट आपकी स्टार्ट होने वाली है, मेरी जो ओबीजी की रहने वाली है वो आपकी 5 PM ही रहने वाली है, ठीक है। मॉर्निंग में 10 बजे है जो आपके शुभम सर हैं वो आपके लेने वाले हैं, 10 AM MCQs लेंगे आपके पीआर यादव के, नर्वस सिस्टम है उसको सॉल्व करवाएंगे, नर्वस सिस्टम के है वो कंप्लीट क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाएंगे, ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं यही बोल रहा था क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कीजिएगा, और जो है जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे है कोर्स ज्वाइन कर सकता है, और CHO फुल कोर्स UPSC के लिए भी अवेलेबल है। आपको क्या करना है, सिंपली है वो प्ले स्टोर से है ऐप डाउनलोड करनी है, विजडम मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, और विजडम मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करनी है, और वहां पे जाके आपको क्या करना है, कोर्स है वो परचेज करना है, ठीक है। चलो जी भाई, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, और क्लास कल मॉर्निंग में 10 बजे होगी, वो आपके नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस होंगे, एंड देन इवनिंग में आपकी जो है ओबीजी के आगे के क्वेश्चंस वो अपन सोल्व करने वाले हैं, तो आपको भी पढ़ते रहना है साथ के साथ में, हम भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके अलावा जो है आप क्लासेस को शेयर करते रहिए, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, आप लोगों का सपोर्ट है हमेशा ऐसा ही बना रहेगा तो अपन बहुत आगे जाएंगे और आपका भी सिलेक्शन श्योर होगा, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।